डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल मैंने आपको छठे और सातवें चैप्टर की थियरी सेंड कर दी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने लिखना स्टार्ट भी कर लिया होगा और बहुत सारों के तो शायद छठा चैप्टर कंप्लीट भी हो गया होगा, कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा तो था नहीं, बट फिर भी जब आप लोग नोट चेक करवाने आओगे, जब हम बुलाएँगे तब आप लोग आपकी नोट लेके आना, तब देख लूँगी किसने कितना लिखा है। फिलहाल हम हमारा नवा चैप्टर देख रहे हो और आज हम उसका आखिरी हिस्सा देखेंगे। आज इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। हम हमारे नवे चैप्टर में आज जिस हिस्से की बात करने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक है जामीन गिरीनी खरीद बेचाण प्रक्रिया, ट्रेडिंग प्रोसीड्यूर ऑफ सिक्योरिटीज़। के अगर हम कुछ बरसों पहले की बात करें तो भारत के शेयर बाज़ारों में जो शेयर दलाल होते थे वो एक मुकर्रर वक्त पर शेयर बाज़ार के फ्लोर के ऊपर जमा होते थे, बराबर। उस फ्लोर के ऊपर खड़े रहकर वो बेचारे बिल्कुल, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि चिल्लाते थे और हाथ के अलग अलग इशारों के ज़रिए अपने जामीनगिरियों के सौदे करते थे। ये तरीका कैसा है, बहुत पुराना है, बराबर। अब इसके अलावा इसकी जगह पर अब कैसे हो रहे हैं ये सारे काम, ऑनलाइन हो रहे हैं, स्क्रीन पर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक तौर पर हो रहे हैं। भारत के अब आप किसी भी शेयर बाज़ार को देखो, वहाँ पर अब ऑनलाइन व्यापार प्रथा का वजूद है, बराबर। क्या अब जो काम हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं। इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को आप देखो या ओवर द काउंटर एक्सचेंज को आप देखो, इसकी तश्कील भी हुई लेकिन अब इसका काम भी कैसे हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। आप मुंबई शेयर बाज़ार और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों को देखो तो ये भी अब स्क्रीन बेस्ड सिस्टम के मुताबिक चल रहे हैं। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें, जिसको हम नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग भी कहेंगे, ये भी अब स्क्रीन के ऊपर ही हो रहा है। जो इंटरनेट की ट्रेडिंग है उसमें अब आप आपकी जामीनगिरियों को ऑनलाइन खरीद सकते हो या ऑनलाइन बेच सकते हो। इंटरनेट के इस्तेमाल के ज़रिए अब आप खरीदो फरोख्त का ऑर्डर इस तरीके से कर सकते हो ऑनलाइन, के उसका जो अमल है वो दलालों के ज़रिए हो, क्योंकि हमारी जो जामीनगिरी है इसकी खरीदो फरोख्त का काम तो दलाल ही करते हैं ना। तो आपको कौन कौन से प्रोसेस करनी होंगी अपने ऑनलाइन काम को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, तो सबसे पहले डीमैट खाता खोलाओ। सबसे पहले आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले वाले सेशन में भी देखा था कि जब तक आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाकर अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलाओगे, तब तक आप इंटरनेट के ऊपर अपने शेयर्स की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते, बराबर। उसके बाद आपको दूसरी प्रोसेस क्या करनी है, खरीद बेचाण ऑर्डर। उसके बाद आपको जो आपके ग्राहक है उनके पास से अगर आपको आपकी जामीनगिरियों का बेचाण करना है तो वो ऑर्डर दलालों को देना पड़ेगा, है ना। ऑर्डर रखते वक्त, ऑनलाइन ऑर्डर रखते वक्त आपको हर अपनी स्क्रिप्ट के मुताबिक अपने भाव को देख लेना है, क्योंकि अब ये जो खरीदो फरोख्त की प्रोसेस है ये भी दो तरीके से होती है, एक होती है लिमिटेड ऑर्डर और एक होता है मार्केट ऑर्डर। अब लिमिटेड ऑर्डर में क्या होगा, लिमिटेड ऑर्डर में खरीदो फरोख्त की एक मुकर्रर कीमत आपको दे दी जाएगी, आप उतनी ही कीमत के शेयर्स बेच सकते हो या उतनी ही कीमत के शेयर्स खरीद सकते हो। जबकि मार्केट ऑर्डर में, बाजार ऑर्डर में क्या होगा, उसमें जो ट्रेडिंग स्क्रीन के ऊपर छेला भाव था, बराबर, उसके मुताबिक क्या मांगड़ी हो रही है, सामने वाले के पास से क्या डिमांड हो रही है, उस कीमत पर आपको आपके ऑर्डर बेचने होते हैं। खैर, अब हमारा तीसरा टॉपिक है ऑर्डर नो अमल, कि दलाल को ग्राहक के पास से ऑर्डर तो मिल गया, अब दलाल उस ऑर्डर का अमल करेगा। दलाल शेयर बाज़ार में ऑर्डर डालेगा और अपनी ऑफिस में ग्राहक की तरफ से ऑनलाइन ट्रेडिंग के ज़रिए सौदा कर लेगा। उसके बाद आता है करार नोट, कॉन्ट्रैक्ट नोट। ग्राहक के, कस्टमर्स के ऑर्डर के मुताबिक जामीनगिरियों की खरीदो फरोख का सौदा
करने के लिए दलाल जिसके अंदर इस चीज़ को नोट करेगा उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट नोट, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में जिस दिन सौदा किया जाता है उस दिन को आपको बिल्कुल कम्प्लीटली लिखना होता है। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि सौदा होने के 24 कलाक के अंदर अंदर ही दलाल को ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है ये कस्टमर्स को भेजना होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में आपको क्या क्या लिखना होता है, जामीनगिरी का नाम, उसकी तादाद, सौदे में आपने भाव क्या डिसाइड किया, ऑर्डर नंबर क्या हुआ, दलाली कितनी गई, कौन कौन से टैक्स लगे, कितने लगे, इन सारी बातों का शुमार हमारे कॉन्ट्रैक्ट नोट में होगा। हम इन शॉर्ट हमारे सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है ये हमारे और कस्टमर्स के बीच में सौदा हुआ है उसका दस्तावेज है, उसका पक्का पुरावा है ना। उसके बाद आता है सौदानी पतावट के जामीनगिरियों की खरीदो फरोख्त में ऑर्डर लेवा गए हैं, आपने दस्तावेज भेज दिया है, मीन्स कि आपने कॉन्ट्रैक्ट नोट भेज दिया है। अब आपके सौदे की पतावट, आप सौदे को कहाँ ख़त्म करोगे, मुंबई शेयर बाज़ार में जो सेटलमेंट हाउस है उसके ज़रिए आपके सौदा पूरा होगा। इसके अलावा जो आपका सौदा है ये ख़त्म होगा तो इसकी ड्यूटी कहाँ पर पता चलेगी, नेशनल सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन में, क्योंकि आपने जो सौदा किया है उसकी सारी डिटेल आपको NSCCL नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को देनी है। इसके बाद का हमारा टॉपिक है छठा टॉपिक, रकमनी चुकवणी अने जामीनगिरीनी सौंपणी। कि अब आप कस्टमर हो और आपको जिस शेयर्स की खरीदी करनी है तो आपको उन शेयर्स के लिए जो पैसे चुकते करने हैं ते वो आपको कुछ वक्त पहले करना पड़ेगा। शेयर की फरोख्त हो गई है तो पे इन के दिन के पहले आपको शेयर की डिलीवरी देनी पड़ेगी, और अगर ग्राहक ने शेयर खरीद लिया है तो वो पे आउट करेगा, है ना, मतलब जिस दिन पे आउट होगा उस दिन वो शेयर को सौंपेगा। शेयर की अगर सेलिंग की है कस्टमर ने तो उसी दिन उसको पे आउट करना पड़ेगा, और पे इन के दिन में जो शेयर की सौंपड़ी है, शेयर्स जिसको देने हैं वो मध्यस्थी यानी दलाल के थ्रू भेजे जाएंगे। उसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सौदानी पतावटनी ग्राहक ने जान, कि जामीनगिरियों के आपने सेलिंग कर दी है, आपको ये बात कस्टमर को भी तो बतानी होगी, है ना, तो ये बात दलाल सबसे पहले बैंक के ज़रिए पैसों को चुकते कर देगा, बराबर। और जब ग्राहक के बैंक अकाउंट में से वो पैसे चुकते हो जाएंगे तो डीमैट खाते के ज़रिए ग्राहक को ये जान की जाएगी, उसको ये इतला दी जाएगी कि जो हमारा सौदा चल रहा था वो अब कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा बहुत अच्छा टॉपिक आने वाला है सेबी, इंशाल्लाह हम उसको हमारे आने वाले सेशन में देखेंगे।